Hello everyone, I'm Dr. Anand Sharma, rank 62, CSE 2008. This was my fourth attempt. I've done my graduation from Maulana Azad Medical College and my optional is Medical Science. अभी बहुत commonly लोगों के doubts होते हैं कि budget का कितना role है UPSC preparation में. क्या हमें budget पढ़ना चाहिए तो कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ helpful हो सकता है, किस जगह आप questions आ सकते हैं और कैसे पढ़ें उसको, summary पढ़ें, analysis पढ़ें या कहाँ से पढ़ें. तो इस बारे में इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बजट कहाँ से पढ़ें, क्या रोल है, कहाँ कहाँ पे हाइलाइट्स होने चाहिए और कहाँ कहाँ आते हैं बजट के क्वेश्चंस. सबसे पहले बजट का क्वेश्चन जो बेसिकली है, बजट आपको एक कोई भी हार्ड डॉक्यूमेंट बजट का इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, जो भी 30-35 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, आप उसको प्रिंट ले लीजिए उस डॉक्यूमेंट का. एक बार उस बजट को खुद पढ़ लीजिए और साथ ही साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच होती है उसको भी सुन लीजिए. तो जिससे क्या होगा, आप दो बार उस चीज़ को पढ़ लेंगे और सुन लेंगे तो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो रिपीटेडली आएंगे वो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे और आपको चीज़ें याद रहेंगी. अब बजट की इम्पोर्टेंस क्यों है, बजट की इम्पोर्टेंस प्रीलिम्स और मेंस के एस्पेक्ट दोनों से है. प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि बजट में नई स्कीम्स होती है, नए डेटाज आते हैं, नए फिगर्स आते हैं, तो वो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं. अच्छा, दूसरा मेंस में कहाँ इंपॉर्टेंट है, मेंस में दो तीन जगह है. एक तो डायरेक्ट इंपॉर्टेंस है कि पिछले लास्ट टू ईयर से बजट से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है कि वो बजट का ये प्रोविजन था उसके क्या इंपैक्ट्स हैं, क्या सिग्निफिकेंस हैं, तो एक तो आप वो देखिए. दूसरा इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्या, एक प्रीलिम्स में इंपैक्ट डायरेक्ट इंपैक्ट रोल है कि जो भी नई स्कीम्स है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है उसका प्रोविजन क्या है. जैसे आयुष्मान भारत है, अभी जो किसान वाली स्कीम है जिसमें 2000 रुपीज़ पर टेन्योर देना है, उनको 6003 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो इन स्कीम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है. इनडायरेक्ट इंपैक्ट कैसे है कि आपको बहुत सारा मटीरियल मिलता है कि किस किस सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स करी हैं, क्या स्कीम लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट का प्लान है, तो आप अपने आंसर्स में, हेल्थ के आंसर में, इकोनॉमी के आंसर में, एजुकेशन के आंसर्स में उन स्कीम के बारे में मेंशन कर सकते हैं. सिमिलरली डेटा आता है, गवर्नमेंट का फिस्कल डिफिसिट करता है, गवर्नमेंट ने कितना हेल्थ पे स्पेंड किया, कितना एजुकेशन पे इम्पैक्ट किया, वो वहाँ पे आपको हेल्प करता है. तो वो डेटा आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, ऐसे में लिख सकते हैं सब्सटैंशिएट करने के लिए, वहाँ पे बजट का रोल आता है. तीसरा रोल आपका बजट का इंटरव्यू पर्पज से है. कई बार डायरेक्टली इंटरव्यू उसी टाइम पे होता है जहाँ बजट चल रहा होता है, तो वो बजट जब आप पढ़ोगे उस टाइम पे पढ़ोगे इंटरव्यू वाले टाइम पे, तो इंटरव्यू में भी बजट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे बताते हैं कि अभी जैसे इस साल की स्कीम में प्रधानमंत्री किसान वाली स्कीम, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है. लास्ट ईयर लॉन्ग टर्म जो टैक्सेशन में चेंजेस किए थे उसके बारे में क्वेश्चन आया था. आयुष्मान भारत जैसे स्कीम है उस पर क्वेश्चन आ सकता है. 2016 में आया था कि बजट की थीम ये है, तो इस थीम को ये बजट कितना सेटिस्फाई कर रहा है या कितना सब्सटैंशिएट कर रहा है, क्या इस बजट के प्रोविजन इस थीम के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है. फिर उसके अलावा आप बजट में क्या कर सकते हैं कि आप बजट से जो अपना डेटा ले सकते हैं, तो बजट पढ़ने के लिए आप एक तो बजट के डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स पढ़िए प्लस दो तीन एनालिसिस पढ़ लीजिए. जैसे राज्यसभा टीवी पे एनालिसिस आती है बजट की, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पे आते हैं, तो आपको बजट के पॉजिटिव्स पता चल जाएंगे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पता चल जाएंगे और लैकुनाज भी पता चलेंगे. तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिल जाएगी बजट की, आपको बजट को कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, और फिर आप अपने आंसर्स में, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, हर जगह अपनी सब्सटैंशिएट कर पाएंगे और क्वालिटी को और क्वांटिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे. तो ये था हमारा बेसिकली बजट के बारे में डिस्कशन. जो एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि हमें उसी साल का बजट पढ़ना है या हर साल दो तीन साल का बजट, जनरली आपकी टेंडेंसीज यही होनी चाहिए कि उस साल का बजट क्या है, और या फिर एक लास्ट ईयर का जो बजट है उसके कोई दो तीन स्पेशल प्रोविजंस है. जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है वो लास्ट ईयर के बजट में थी और अभी भी सिग्निफिकेंस होल्ड करती है, तो आप उसके जो मेजर स्कीम्स है तीन चार वो आप देख सकते हैं, पर कोशिश रहिए उस साल के बजट पर ज़्यादा फोकस करने की, क्योंकि जनरली क्वेश्चन उसी साल के बजट से आता है. तो अब ये रखिए, ये मेरे बजट के बारे में एडवाइस थी. आप एक बार बजट देखिएगा और हो सकता है आपको उससे हेल्प होगी, पर बजट पढ़िएगा ज़रूर, बजट को इग्नोर नहीं करना है, बजट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हर जगह हेल्प करेगा. Thank you.